हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा टेरेस गार्डन। आज संडे है, संडे ओवरव्यू का डे है। आइए गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स खिले हुए हैं वही देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से फ्लावर जीनिया से। जीनिया के बाकी सारे कलर्स तो आपने देखे थे, ये न्यू कलर है, रेड कलर में है। ये पहले मेरे गार्डन में नहीं था, ये मैंने सीड्स से इसको अपने गार्डन में ऐड किया है। देखिए बहुत ही हेल्दी प्लांट तैयार हुआ है और फ्लावरिंग भी करने लगा है ये। यहाँ पे देखिए मॉस रोज में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग चल रही है अभी भी। कुछ प्लांट्स ख़राब भी होने लग गए हैं बारिश में, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन्हें ट्रीट कर लेंगे। देखिए बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि इन प्लांट्स में देखिए ऊपर ये जो मिट्टी की परत है उसमें पूरी काई जम गई है। इनको अभी हमें गुड़ाई करना है। कुछ प्लांट्स मैंने गुड़ाई कर भी दिए हैं, उससे क्या है प्लांट्स सांस ले पाएंगे और उससे हमारे प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएंगे। और देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग चल रही है अभी भी इनमें, और ये आगे भी अक्टूबर तक हमें ऐसे ही फ्लावरिंग देंगे। उसके लिए अभी हमें थोड़ा सा इनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि बारिश अब लगभग थमने को है। हमारे यहाँ तो अभी बहुत ही तेज़ धूप होने लग गई है, बारिश कम हो गई है, ऐसे ही थोड़ा बहुत हो जाता है बारिश अभी भी। और देखिए ये प्लांट सब फिर से अच्छे से फ्लावरिंग करने लगे हैं। इन्हें अब हम फर्टिलाइज कर देंगे और थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे, उससे हमारे प्लांट फिर से अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए नागचंपा में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और जिन ब्रांचेस में फ्लावरिंग कंप्लीट हो गई थी उनमें देखिए अब फिर से न्यू बड्स भी बन गए हैं। इनमें लगातार ऐसे ही विंटर सीजन के शुरुआत तक फ्लावरिंग होती रहेगी। और ये फर्टिलाइज़र देने का बहुत ही अच्छा समय है अब, क्योंकि बारिश भी कम हो गई है। हमने बारिश के पहले ही इनको एक बार फर्टिलाइज़ कर दिया था, अब फिर से फर्टिलाइज़र देंगे इनको। देखिए बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। यहाँ पे देखिए हिबिस्कस में भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग है और काफ़ी सारे बर्ड्स भी आए हैं। प्लांट भी हमारा हेल्दी हो गया है। यहाँ पे भी देखिए ये वाले में आज फ्लावर नहीं है लेकिन बर्ड्स बने हुए हैं। देखिए सारे हिबिस्कस में बर्ड्स बन रहे हैं। कुछ ही दिनों में देखिएगा सब तरफ फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग दिखेगा हिबिस्कस के। यहाँ पे भी देखिए और इसमें भी ये नया बर्ड्स बन रहा है। और यहाँ पे देखिए जीनिया में भी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। और एक ये देखिए देसी हिबिस्कस है व्हाइट कलर का, इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बर्ड्स भी बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेरे सारे गुलदाउदी के प्लांट्स रखे हुए हैं जो मैंने कटिंग से रेडी किए हैं। इनको अब मुझे सेपरेट पॉट देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे कटिंग्स रेडी हो गए हैं और इनमें देखिए नई ग्रोथ भी दिख रही है। इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारे प्लांट्स रेडी हो गए हैं। और ये देखिए ये मैंने कोलांचो ये भी कटिंग से तैयार किया है। यहाँ पर भी देखिए और ये वाला भी देखिए, इन सबको मुझे नया पॉट देना पड़ेगा। पॉली बैग में लगे लगे क्या है इनकी ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि बारिश का पानी डायरेक्ट टच होता है इनको नीचे से। यहाँ से देखिए नीचे से डायरेक्ट पानी टच होते रहता है, इसलिए ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है पॉली बैग में। और टेरेस पे खुला रखा रहता है ये बारिश के पानी में, तो इनको पॉट देना पड़ेगा। पॉट देने से इनकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। ऐसे सूखे हुए जो पत्ते होते हैं उन्हें हटा देना चाहिए, इससे प्लांट और भी हेल्दी होगा। ये सूखे हुए पत्ते जब तक प्लांट में रहते हैं ये प्लांट से एनर्जी लेते रहते हैं, इनको टाइम टाइम पे रिमूव करते रहना चाहिए। देखिए सारे में ये नीचे की पत्तियां सूख सी गई हैं और ऊपर ग्रोथ भी दिख रहे हैं। हम इन पत्तियों को ऐसे हटा देंगे, ये देखिए। यहाँ पे देखिए ये भी रेड कलर का ही जीनिया है जो मैंने सीड्स से तैयार किया है। और ये यहाँ पे और भी देखिए ये कॉस्मोस के प्लांट्स रेडी हो रहे हैं, इनको भी पॉट देना पड़ेगा। प्लांट अच्छे से रेडी हो गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है मेरा देसी वाला ही बिस्कस है, ये मल्टी पेटल का। और इसी के पीछे देखिए ये वाला देखिए, आज इसमें तीन तीन फ्लावर एक साथ आए हुए हैं। ये प्लांट थोड़ा सा भाव खाता है लगता है मुझे। जब इसको मैं रोज़ वाटरिंग करूँगी, इसका केयर करूँगी, तो इसमें फ्लावर्स नहीं आते। और कुछ दिनों से मैंने इसको वाटरिंग करना ही छोड़ दिया है। देखिए इसकी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो गई है और मैंने इसकी बिल्कुल केयर नहीं की, क्योंकि ये इतना केयर करने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं दे रहे करके। देखिए यहाँ पर भी फ्लावर आए हुए हैं और जब से मैंने इसमें पानी देना बंद किया है उसके बाद से देखिए इसमें फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। तो कभी कभी होता है हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ना, तो भी प्लांट भी भाव लेने लगते हैं। ये भाव खोज रहा था,
और अभी जब मैंने छोड़ दिया तो फ्लावरिंग आने लग गई। देखिए यहाँ पे भी एक फ्लावर है, ये देखिए और ये देखिए, और साथ में देखिए यहाँ पे, और एक यहाँ पे चौथा फ्लावर। ये देखिए ये कटिंग से रेडी हुआ डैंथस। और यहाँ पे देखिए सारे मेरे मॉसरोज रखे हुए हैं चाइनीज वैरायटी के, इनको सबको आज मैंने गुड़ाई किया है। गुड़ाई करने से इनकी जड़ें सांस ले पाएंगी और प्लांट्स हेल्दी होंगे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, डेली प्लांट्स ख़राब होने लग गए थे, बहुत सारे इसके स्टेम्स तो गल से गए हैं। देखिए ये कोई बात नहीं, ये अब अच्छे हो जाएंगे। कुछ को मैंने प्रून किया था तो वो अच्छे हेल्दी हो गए हैं, देखिए ये वाला जैसे कि। और यहाँ पे देखिए मैंने ये ऐसे ही कटिंग ये डस्टबिन में लगा दिया था, यहाँ पे मैं अपने सारे जो गार्डन से कचरा निकलता है उसी को इसमें डाल दी हूँ। उसका देखिए कितना बढ़िया कंपोस्ट खाद भी बन रहा है, और साथ ही देखिए इसमें कितने सारे विंका के प्लांट्स ग्रो हो गए हैं अपने आप सीड्स से। और देखिए कितनी हेल्दी ग्रो है, इस ग्रोथ है इसमें, बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहे हैं। और इनके प्लांट्स जब अलग अलग कलर्स आइडेंटिफाइड होते जा रहे हैं तो मैं उनको अलग से पॉट देते जा रही हूँ। और इसी में ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ आई है इसमें मॉसरोज में। यहाँ पे देखिए उसमें फ्लावर भी आ गए हैं, काफ़ी सारे बर्ड्स भी बने हुए हैं, इधर भी देखिए फ्लावर, और वहीं पे देखिए यहाँ पे जीनिया, जीनिया में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। यहाँ पे देखिए ये मॉसरोज तो मैंने ऐसे ही हटा के यहाँ पे मिट्टी में डाल दिया था, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। और यहीं पे देखिए फ्रेंड्स ये कौन सा प्लांट है, देखिएगा ये, देखिए ये छुईमुई का प्लांट है। ये अपने आप मिट्टी में यहाँ उगते रहते हैं, हमारे यहाँ कॉलोनी में भी जगह जगह जहाँ पे खाली प्लॉट है वहाँ पे छुईमुई के प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और रोड के किनारे पे बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ये भी काफ़ी सारे उग गए हैं। यहाँ पे देखिए विंका, विंका में बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, और ये फिर से मॉसरोज, एक तो पूरा पॉट फ्लावर से भरा हुआ है। और ये सारे इधर है डहेलिया, ये बड़े वाले डहेलिया के प्लांट्स हैं जिनकी सैपलिंग मैं पिछले संडे को लेके आई थी, वो सारे अब अच्छे से हो गए हैं। और ये देखिए ये कलेंचो, मैंने इसको कटिंग से रेडी किया है, और यहाँ पे सारे ये मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं, ये सीड्स से रेडी हुए हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पिंटास, पिंटास में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता और हमेशा इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। आपको बस इसके जो स्पेंट हुए फ्लावर्स हैं उनकी डेड हेडिंग करनी पड़ती है, जैसे कि ये देखिए ये इसमें से, ये देखिए ये फ्लावर ये खिल के स्पेंट हो चुके हैं, तो इनको रिमूव करते रहना चाहिए बस, यहाँ पे देखिए इस तरह से। और ये देखिए कनेर, ये मैंने इसकी कटिंग इस छोटे से पॉट में लगाया था, उसमें भी अच्छी ग्रोथ हो गई है। यहाँ पे देखिए अपराजिता, अपराजिता की मैंने एक टोपियारी सी बना के रखी है यहाँ पे, ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस दिन इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स आए रहते हैं उस दिन तो और भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे मेरे मैरीगोल्ड और टोरेनिया के पॉट्स रखे हुए हैं, और सभी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। देखिए बहुत ही अच्छे से सीड्स से मैंने सारे प्लांट्स ग्रो किए हैं, ये देखिए। और ये देखिए ये गुलदाउदी, ये देखिए ये सारे कटिंग से मैंने रेडी किए हैं। और देखिए इनको एक बार मैंने पिंच भी कर दिया था, तो देखिए पिंचिंग के बाद ये अच्छे से घने भी हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये विंका, मेरा एक विंका ये वाला भी बारिश में ख़राब हो गया, देखते हैं बच जाता है कि नहीं। और ये देखिए ये भी ख़राब हो रहा था लेकिन ये अब फिर से रिकवर हो गया है। और यहाँ पे देखिए रोज़, रोज़ में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये ऑरेंज रोज़ है यहाँ पे। और इधर देखिए आलमांडा, आलमांडा में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग चल रही है अभी, ये देखिए सारे तरफ फ्लावर ही फ्लावर दिख रहे हैं इसमें पूरे प्लांट्स में। और इधर देखिए कोलियास रखा हुआ है, कोलियास भी बहुत अच्छा है। और सारे जीनिया के प्लांट्स देखिए, और उसी के आगे यहाँ पे देखिए फिर से मॉसरोज है अलग अलग कलर्स में, सभी में अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। और ये देखिए ये आलमांडा, आलमांडा भी प्लांट पूरा फ्लावर ही फ्लावर लग रहा है। और इधर फिर से देखिए
ये वाला है टिकोमा पिंक कलर में, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग है इसमें, देखिए बहुत ही प्यारा सा सेट होता है पिंक टिकोमा का। और ये देखिए मॉसरोज, ये सारे प्लांट्स ख़राब हो रहे थे तो मैंने प्रून कर दिया था, तो ये फिर से हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से जीनिया, देखिए एक ही प्लांट में इतने सारे बल्ब में फ्लावरिंग हुई है। ये भी देखिए, ये भी एक ही सिंगल प्लांट है। और यहाँ पे देखिए मॉन्डेविला वाइट कलर का यहाँ पे फ्लावर है, और ये वाले में देखिए दो दो बर्ड्स भी बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से पिंक कलर का मॉन्डेविला, इसमें एक और फ्लावर भी है यहाँ पे, और बर्ड्स भी बन रहे हैं। मॉन्डेविला में भी कंटिन्यूसली ऐसे ही फ्लावर होते रहते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है ये। ओके फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और धूप बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ अभी के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, और वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।